हमारा नाव चल दिया है। मेरी लक्कड़ इधर रखी है, इधर नाव चल रहा है, तो देखिए कैसा लग रहा है। फाइनली फ्रेंड्स, लक्कड़ लुक्कड़ रख लिया, अब चलते हैं। अंधेरा नहीं लगा रहा है, अब आएगा हमारा नाव। फिर नाव पे मछली पकड़ा जा रहा है, देखिए कैसे यहाँ पे मछली पकड़ते हैं। मैं पहली बार देख रही इस तरह मछली पकड़। हेलो फ्रेंड्स एंड गुड मॉर्निंग, कैसे आप लोग? तो फ्रेंड्स सही बोल दूँ, गुड मॉर्निंग, तो आप लोग हो कैसे बता देना। और फ्रेंड्स पता क्या, आज इस ब्लॉग में ना कुछ खास और कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है। इंटरेस्टिंग क्या होने वाला है मैं बता दूँ भाई। देखो वहाँ पे आपको पता ही, हम लोग खाना किसे बनाते हैं? चूल्हे पे बनाते हैं, और लकड़ी से। तो फ्रेंड हाँ, लकड़ी बनाते हैं हम लोग खाना। तो आज पता क्या ये है ना कि चंडीगढ़ में हमें लकड़ मिल जाता था, वहाँ पे जो दो चार पाँच छः सात फ्रेंड थे जाते थे भाई जंगल से लकड़ लकड़ तोड़ तोड़ के ले आते थे। लेकिन यहाँ पे ना बिहार में लकड़ मतलब मिलता है, वो खरीदना पड़ता है। ठीक है फ्रेंड, देखो हर बंदा अपना, ये सारे पेड़ पौधे होते हैं, जैसे कि वहाँ पे नीम का पेड़ हो गया, इसका पेड़ हो गया, वो सारे पेड़ यहाँ पे बहुत कम, आम का पेड़, यहाँ पे पेड़ की कमी बहुत है। खेती ज्यादा होती है लेकिन पेड़ नहीं लगाते पौधे पौधे। तो फ्रेंड्स आज जा रहे हैं हम लक्कड़ चुनने के लिए बाहर खेत में, तो देखते हैं क्या कैसे मैं चुनती हूँ, कैसे मैं फर्स्ट टाइम जा रही हूँ, तो देखती हूँ कैसे लेके आती हूँ। तो अभी तो जानू घर ही में रहेंगे, मैं अकेली जाऊंगी, तो फ्रेंड्स अभी के साथ जा रही हूँ, अपने आंटियों के साथ। तो आप लोग बने रहना, अभी जा रही, फिर आप लोगों को दिखाई कैसे लक्कड़ चुनती है। मैं चलो तो नहीं जा रहा, नहीं मैं नहीं जाऊंगा, तो मैं डाल लूँ सर पे बल्लू। मिली फ्रेंड्स, हम घर से निकल चुके हैं, रास्ते में हैं, और मेरा मन तो नहीं कर रहा जाने का, लेकिन फिर भी जा रही हूँ क्योंकि आप लोगों को दिखाना है ना यहाँ पे कैसे लक्कड़ चुनते हैं, और कैसा होता है, और कैसे यहाँ पे खाना बनता है। खाना भी बना के दिखाएंगे, और लक्कड़ भी चुनेंगे, वो भी दिखाएंगे। तो फ्रेंड्स ब्लॉग में बने रहिए, चलते हैं। अभी तो बहुत दूर जाना, अभी तो पहुँचे भी नहीं है कहीं, अभी रास्ते भी, अभी घर से निकले हैं हम, तो चलते हैं आप लोगों को दिखाते हैं। यहाँ तो खेती बहुत सारा है, घर कम है, खेत ज़्यादा है यहाँ पे। तो ब्लॉग में बने रहिए, पहुंच के आप लोगों से मिलते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आ गए ओवर ब्रिज, और यहाँ से नाव से भी उस साइड जा सकते हैं, और ब्रिज बना, आई मीन रोड भी बना हुआ है, हम रोड से भी उस साइड जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए कितना प्यारा नज़ारा है यहाँ का। ये है नदी जहाँ पे विसर्जन हुआ था सरस्वती माता के, वही नदी है मुझे लग रहा है। तो यहाँ पे कितना मस्त लग रहा है, आप लोगों को कितना प्यारा व्यू आ रहा है यहाँ पे। ये कभी जरूर आएंगे शॉर्ट्स रील्स बनाने के लिए यहाँ पे, ये जगह मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैंने फर्स्ट टाइम देखा है। तो चलते आगे, देखते क्या क्या अच्छी अच्छी चीज़ें मिलती हैं, और बहुत प्यारा लग रहा है उनके यहाँ पे खड़े रहूँ, बहुत मज़ा आ रहा है। लेकिन जानूंगा तो आए नहीं, नहीं तो आते तो बहुत मज़ा आती। मैं अकेले तो रील्स घर में ही बनाती, बाहर मुझे बहुत अजीब लगता है अकेले। तो नेक्स्ट टाइम मैं आपको यहाँ का नज़ारा जानू के साथ आके ज़रूर दिखाऊंगी, बस अभी तो लक्कड़ लाने मेहनत का काम करने जा रहे हैं। चलते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों से, देखते कहाँ कहाँ से जाते हैं, बहुत दूर से तो पैदल पैदल चले आ रहे हैं, अभी देखते और कितनी दूर जाना है। देख लीजिए बिहार में कैसा कैसा जगह है, और क्या नज़ारा लग रहा है। मैं तो जा रही हूँ, और यहाँ से आपको एक स्पेशल ब्लॉग दिखाऊंगी, स्पेशल मस्त वाली ब्लॉग, जो कि यहाँ पे बैठना पड़ेगा नाव में बैठ के उस साइड जाना पड़ेगा। मैं ज़िंदगी में अपनी लाइफ में पहली बार बैठने जा रही हूँ, तो आप लोगों को दिखाती हूँ नाव में बैठ के। नाव में बैठ चुकी हूँ, मुझे तो बहुत डर लग रहा है, फर्स्ट टाइम बैठी हूँ, अजीब लग रहा है। तो आप लोग देखो पूरा व्यू दिखा देते हैं, और यहाँ पानी में बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन डर आपको पूरा दिखाती हूँ डर से। यहाँ पे नाव चला रही थी, सारे लोग बैठे हैं, तो यहाँ का व्यू पकड़िया को गड़े था। कितना प्यारा नज़ारा लग रहा है, आप लोग देखो फ्रेंड्स कितना क्यूट सा लग रहा है, और पूरा यहाँ पे ये पता नहीं ग्रीन ग्रीन यहाँ पे पानी में लगा होता है, ये वो है पता नहीं क्या है, बहुत सुंदर लग रहा था। देखो आप लोग कमेंट्स करके बताइएगा ऐसा कहाँ कहाँ पे जगह है, और कैसे मतलब रोड पे आके फिर नाव को पार करते हैं, नाव में बैठ के कहाँ कहाँ पे, आप लोग बताइएगा ज़रूर। लाइफ में ये सबसे नई चीज़ है मेरी। यहाँ से हम उतर रहे हैं नीचे, ओ भाई गिर भी जाएंगे। तो फाइनली हम नीचे उतर चुके हैं नाव से, अब जा रहे हैं लक्कड़ बीनने के लिए। मतलब इतनी मेहनत करके इतनी दूर आना पड़ता है, फिर लक्कड़ चुनना पड़ता है, तो गांव में तो बहुत सारी मेहनतें लगती हैं, तो मेहनत करेंगे तभी खाने को मिलेगा। तो चलते हैं, ब्लॉग में बने रहिए।
चुनना स्टार्ट करते हैं लक्कड़। यहाँ पे चुनना क्या है, चुनना ये है, ये जो है इसमें से सूखे सूखे जो है, जो सूखा सूखा होगा लक्कड़, ये जलाना है चूल्हे में, तो ये जो सूखा सूखा है उसको चुनना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स आप देखिए कितना मतलब कि रिस्की जगह है, कि इसमें स्नैक्स भी निकल सकता है, आई मीन कोई भी कीड़े मकोड़े निकल सकते हैं, और कितना खतरनाक है, मुझे तो बहुत डर लग रहा है, लेकिन बिनना पड़ेगा क्योंकि खाना बनाने तो बिनना पड़ेगा, चूल्हा भी जलता है ना, तो इसलिए अब मैं चुनती हूँ ये सारा, आप लोगों को दिखाती हूँ इसमें जो सूखा सूखा है। तो मैं अपना ये चुनी हूँ, ये गीला इस ऐसे ऐसे चुनेंगे इसको, यहाँ पे इकट्ठे करेंगे, फिर इसको बांधेंगे, फिर नाव पे बैठ के फिर वापस जाएंगे। तो यहाँ पे ये रख लिए हैं चुन चुन के, फिर आपको दिखाती हूँ मैं कितना चुनती हूँ, पहली बार चुन रही हूँ तो कितना चुनती हूँ, फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। लाइव में सब पहली बार हो रहा है, बहुत अजीब लग रहा है। तो चलते हैं फ्रेंड्स, काम पे लग जाते हैं, फिर आप लोगों से मिलते हैं। मैंने इतना चुना है तो इस तरह इसको चुन चुन के इसमें से ये निकाल निकाल के हटाया जाता है और उसको चुन के रखा जाता है। तो इतना सारा चुना है, कमेंट्स करके बताना आप लोग कैसा लग रहा है आज का ब्लॉग आप लोगों को, ये तो बहुत ही अलग था। और इस तरीके से मतलब इतनी घर से इतनी दूर लेना है आना पड़ता है, वो भी यहाँ पे लक्कड़ भी नहीं मिलता है, वो भी ये तो जिस तरह की वो होता है पैरा होता है, आप लोगों ने देखा धान वान का जो बचा हुआ होता है, बिल्कुल ये वैसा ही होता है। ये जो लग रखी है ग्रीन ग्रीन कलर के, ये जब सूख जाता है तो इसको चूल्हे में जला के खाना बनाया जाता है, तो यहाँ पे ऐसे होता है। आपको कहीं बड़ा पेड़ कहीं दूर दूर तक दिख रहा हो तो आप कमेंट करके दो, एक दो पेड़ आपको दिखेंगे, नहीं तो बड़े पेड़ पौधे आप लोगों को कहीं भी नहीं, यहाँ सिर्फ सिर्फ और सिर्फ खेती खेत है, यहाँ पे पौधों की उपजान थोड़ी कम होती है मुझे ऐसा लग रहा है। और वहाँ देखिए नाव में कैसे सारे लोग आ रहे जा रहे हैं, और उसमें साइकिल रख के भर के ले जा रहे हैं, यहाँ पे ऐसे ही होता है। यहाँ पे नदी बहुत दिखेगी, खेत दिखेंगे, लेकिन बड़े बड़े पेड़ बहुत कम दिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे वो सब कम लगाई जाती है, खेती ज़्यादा होती है, इसलिए चूल्हे पे खाना इसी को, जैसे कि पत्ते पे बनता है, पत्ते पे बनता है, इन सारी चीज़ों पे चूल्हे पे खाना बनता है। मैंने इतनी जल्दी इतना चुना है क्योंकि जिंदगी में लाइफ में पहली बार ये सब किया, इसलिए आता नहीं है, लेकिन फिर भी चुन लिया मैंने। तो फ्रेंड ब्लॉग में बने रहिए, देख रहे कितनी देर यहाँ रुकते हैं, कितना और चुनते हैं, जितना भी चुनेंगे आप लोग को दिखाएंगे जरूर, कितना इतनी देर में कितना सारा चुना है मैंने। तो फ्रेंड्स बिन बिन के मैं हो गई हूँ थक, इसलिए मैंने अपना बिनना बंद कर दिया, मैं बैठी हुई हूँ और जो सारे लोग हैं वो अपना बिन रहे हैं। फ्रेंड्स देखिए कितना रिस्की है ना, कितना रिस्की, देखिए इसमें से कैसे, इसमें से क्या करना है, ये चीज़ बाहर निकालना है, इसमें से एक एक निकालना है, कितना अजीब काम है, मैंने ज़िंदगी में नहीं किया था जो कि ये करना पड़ रहा है, कितना अजीब लगता है। तो मेरा तो मन नहीं कर रहा है निकालने का, से मैंने इतना सारा बिना जो भी बिना बांधूंगी तो आपको दिखाऊंगी मैंने कितना बिना, वैसे बोलते लेके तो बहुत सारे जाते हैं बहुत सारे, लेकिन मुझसे तो हो नहीं पा रहा, मतलब कि आदत नहीं है ना करने की, इसलिए तो अब लग रहा है गाँव में रहते रहते आदत डालनी पड़ेगी इन सारी चीज़ों की, तभी कर पाएंगे। तो देखते क्या होता है, मैं तो बोर होगी नहीं जानू तो होते हैं, तो मुझे अच्छा भी लगता है, थोड़ा इंटरटेनमेंट करते रहते हैं तो अच्छा लगता है। अब चलते, देखिए फ्रेंड्स कितना रिस्की ना, कितना ख़तरनाक जगह है, इसमें सांप भी होता है, सांप सूप भी होता है, सारा कुछ होता है, डरावना है ना। अभी ठंडी का टाइम है तो इसलिए अलग, गर्मियों में तो बहुत बुरा हाल होता है। तो चलते हैं फिर से काम पे लग जाते हैं, फिर आप लोगों से मिलते हैं। और अभी देखिए सारे बहुत इस टाइम तो सब आ रहे हैं अपना अपने काम करने के लिए, बिनने के लिए, भाई यहाँ के लोग बहुत मेहनती होते हैं, हमें तो आलस ही आ गया थोड़ी देर में, लेकिन फिर भी करना पड़ेगा। तो फाइनली फ्रेंड्स लक्कड़ चुन गया है, आपको दिखा देते हैं, ये है लक्कड़ जो कि लेके जाएंगे इतना सा, और अब चलते हैं घर, हो चुके हैं बहुत ज़्यादा बोर, और दोपहर का टाइम भी हो गया, धूप भी बहुत लग रही है, तो इतना हुआ है कैसा लग रहा है अजीब, तो अभी इसको लेके जाना पड़ेगा। तो चलते हैं फिर पहुंच के आप लोगों से मिलते हैं। फाइनली फ्रेंड्स लक्कड़ लुक्कड़ रख लिया, अब चलते हैं, अंधेरा अंधेरा लगा रहा है, अब आएगा हमारा नाव, फिर नाव पे लक्कड़ रखेंगे, फिर जाएंगे उस पार। तो कितना अजीब लग रहा है, बहुत बड़ा सब, ये आप लोग कैसे बांध रखा है इस तरीके से, तो नाव तो यहीं खड़ा है। तो चलते हैं फ्रेंड्स, फिर आप लोगों से नाव पे मिलते हैं। कितना डरावना जगह, देखिए कितना वो है। तो चलते हैं फ्रेंड्स, पे मछली पकड़ा जा रहा है, देखिए कैसे यहाँ पे मछली पकड़ते हैं, मैं पहली बार देख रही इस तरह मछली पकड़ते हुए, और इतने बड़े बड़े बहुत बड़े बड़े मछली हैं। तो देखिए सारे मेहनत कर रहे हैं, भाई बिहार में ऐसे ही होता है,
और ये जो ग्रीन ग्रीन है बस इसी में मछली मिलेंगे, खाली पानी में आपको मछली नहीं दिखेगा, जो ग्रीन ग्रीन पत्ते लगे इसी में। भाई बहुत मेहनती है, एक मछली मांग भी नहीं सकते क्या? तो चलते हैं फ्रेंड्स, हमारा नाव आ गया, आपको दिखा देते हैं ये। अब इस पर बैठेंगे, जाएंगे अपने घर की ओर। हाँ, हमारा नाव चल दिया है, मेरी लकड़ इधर रखी है, इधर नाव चल रहा है, तो देखिए कैसा लग रहा है, कैसा बहुत मस्त लग रहा है। तो फ्रेंड देखिए अब हम पहुँचने वाले, इतना पानी कितना मस्त लग रहा है। तो चलते हैं, पहुँच के आप लोगों से घर में पहुँच के मिलते हैं। फाइनली हम अपने वहाँ पे पहुँच चुके हैं जहाँ पे हमें उतरना है नीचे, फिर आप लोगों से वहाँ पहुँच के मिलते हैं। तो हम लोग उतर चुके हैं नाव से, अब चलते हैं घर की ओर। देखिए कितना प्यारा लग रहा है ना फ्रेंड्स, बहुत मस्त लग रहा है। तब मैं घर पहुंच के आप लोगों से मिलूंगी, क्योंकि पैदल पैदल जाना है, यहाँ पे कोई व्हीकल नहीं होता, यहाँ से पैदल ही जाना होता है। तो यहाँ पे बहुत मस्त नज़ारा है, आप लोग कमेंट्स करके बताइए कैसा लगा आज का व्लॉग आप लोगों को। फिर घर पहुंचते हैं, फिर आप लोगों को जानू से मिलाते हैं। अभी के लिए बाय बाय। मैं आ चुकी हूँ अपने घर, सामान सामान रख दिया है। हाँ ये है हमारी जान, मैं पहुंच चुकी हूँ घर, फिर आप लोगों से मिलते थोड़ी। तो फ्रेंड्स मैं भी आ चुका हूँ वीडियो में। भाई आप लोगों ने देखा प्रिया लक्कर लाने गई, लक्कर नहीं उसको क्या बोलते हैं, जलावन, यहाँ जलावन ही बोलती हैं, क्या बोलते हैं कुछ और बोलते हैं, पता नहीं क्या बोलते हैं। अरे भाई मुझे नहीं पता क्या बोलते हैं। तो फ्रेंड्स आप लोगों ने देखा हम लोग कितना मेहनत कर रहे हैं, कैसे रह रहे हैं। भाई चंडीगढ़ में फिर भी हम लोग सही थे, और वहाँ से आने के बाद भाई यहाँ पे गरीबी और ही गरीबी मतलब छा गई है। चूल्हे में ऐसे मतलब तुरंत जल जाता है, इसको फिर से लगा, मतलब इतना सारा है था। तो अभी देख लो जो फ्रेंड्स उसमें जो है उसमें चावल बन रहा है। अभी प्रिया लेकर जो भी लेकर के आई थी, एक घंटा हो गया है, मुझे भूख इतना तेज लगा हुआ था, मैं कहा रोटी बनाओ रोटी खाएंगे। तो अभी बना ले रोटी, जो फ्रेंड्स लाने गई थी वो लाने क्या गई थी, ये दिखाऊं मैं आप लोगों को, ये लाने गई थी, ये देख लो, ये पता नहीं क्या है, लक्कड़ तो नहीं है लेकिन बहुत मुलायम मुलायम सा है, लखवा बोलते हैं। तो यहाँ पे बन रहा है हमारा, इसी पे खाना दे सकते हो, और प्रिया जी बना रही है यहाँ पे खाना। तो फ्रेंड्स रोटियाँ कैसी कैसी बन रही है देखिए फ्रेंड्स। लेकिन एक बात है पता क्या, हम लोग ना वहाँ से ज्यादा ही कुछ यहाँ पे ना वो हो चुके हैं, गरीब हो चुके हैं, सच बताऊँ तो। फ्रेंड्स हम लोग गरीब है ही, इसमें कुछ कहने वाली बात नहीं है। तो ये हमारे यहाँ पर रोटी बन रहा है, और रोटी तो कैसे फूल, कैसे रोटी है देख लो, तो मस्त मस्त रोटी फूल रहा है। यहाँ पे लक्कड़ तो मिलता नहीं मिलता, लेकिन नहीं फ्रेंड्स पता क्या मेन चीज क्या है, अपने चंडीगढ़ में ना वहाँ पे ये है कि पंजाब साइड पड़ता है, तो उधर मतलब ज्यादा ही बंदे ने लक्कर वगैरह लगाते हैं, जंगल ज्यादा होता है। यहाँ पे होता है, यहाँ सबका अपना अपना प्लॉट में होता है, बंदा कोई यहाँ पे ना निकाल नहीं देता है। पौधे कम लगाए जाते हैं क्योंकि यहाँ बाढ़ ज्यादा आती है, तो खेतों में पेड़ पौधे लगाते नहीं, और उस साइड पेड़ पौधे ज्यादा लगाए जाते हैं, क्योंकि इतना मेहनत करने के बाद ना इंसान को एक रोटी मिलती है। लेकिन एक बात है कि भाई देखो मेहनत का फल मीठा ही होता है, जो इंसान मेहनत कर खाते हैं ना उनको पता होगा कि कैसे कैसे मेहनत करके वो चीज कैसे होता है। घर से गई रोड में पैदल पैदल चढ़ी, नाव पे चढ़ी, पानी अगर नाव पलट जाए फिर तो अरे ऐसा कुछ नहीं होता है, जिसके साथ भगवान के साथ कुछ नहीं होता है। तो बस फ्रेंड्स आप लोगों को मैं यही बोलना चाहूंगा, भाई हम लोग तो क्या बताऊं यार, मतलब कुछ बोल नहीं सकते हैं। रोटी इस खर पत्ते पे, खर पत्ते बता रही है, तुरंत तुरंत तो जल जाते हैं, देखो फ्रेंड्स ये देखो, और जहाँ बुझते चूल्हा में डालते ही गैप, जैसे जादू बनता छू वैसे गैप जाता है। और रोटी भी देख लो प्रिया कैसा बन रहा है देख लो, जल गई आठ भाई, पहली बार देखो ऐसा रोटी, रोटी देखो फ्रेंड्स कैसे कितनी मस्त रोटी बनाई है, ऐसा रोटी फ्रेंड्स आप लोग बना कर ट्राई करना एक बार, मस्त लगेगा खाने में, क्यों प्रिया जल गया रोटी। तो फ्रेंड्स बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आकर के, लेकिन एक चीज़ है हमें यहाँ पे मन बिल्कुल नहीं लग रहा है। दूसरी चीज़ ये भाई यहाँ पे दिक्कत बहुत होती है, लेकिन दिक्कत का सामना करना पड़ता है, और हम लोग भाई सामना करते हुए आ रहे हैं बहुतों सालों से, आगे करते रहेंगे और आगे करते रहेंगे, बस आप लोग सपोर्ट हमें करते रहिए, सपोर्ट कर दोगे तो दिक्कत भी तो थोड़ा सही हो जाए, दिक्कत क्या पता थोड़ा सही हो, बस करना है कुछ नहीं फ्रेंड्स, आपको सब्सक्राइब करना है, चैनल को लाइक करना है, और बेल आइकन को प्रेस करना है, और अपने फ्रेंडों में वीडियो को शेयर करना है। और कुछ आप लोगों ने देखा ही प्रिया कैसे ब्लॉगिंग की, क्या आप लोगों को पूरा मस्त मस्त चीज़ दिखाई। तो भाई सभी से ही रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ हम लोग इतना मेहनत कर रहे हैं, हमें आप लोग बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रहे हो, अभी इस टाइम तो बिल्कुल सपोर्ट ही नहीं कर रहे हो, हमारा सब्सक्राइब ही नहीं बढ़ रहा है, मुझसे एक दिन का 10 सब्सक्राइबर बढ़ते हैं हमारे, तो प्लीज़ सभी से रिक्वेस्ट ये करूँगा हाथ जोड़ करके। तो फ्रेंड्स प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को प्रेस करें, अपने फ्रेंडों में वीडियो को शेयर करें, और थोड़ा सा हमें सपोर्ट कर दें प्लीज़ सभी को। और आज के लिए अभी के लिए अभी धुआं लग रहा है, इसीलिए आज के लिए अभी के लिए इतना ही,
एंड फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट ब्लॉग में अच्छे ब्लॉग के साथ। बाय बाय सभी को, बाय बाय, लव यू।